नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर प्रियंका टंडन। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहां पर हम बात कर रहे हैं 2024 के राशिफल के बारे में, जहां पर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे रहने वाला है आपका आने वाला साल, कैसे रहेगा आपका लव लाइफ, कैसे रहेगा आपका बिजनेस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, कब करें इन्वेस्टमेंट, कैसे करें इन्वेस्टमेंट और क्या पार्टनरशिप करना होगा आपके लिए सही, कैसे रहेगी आपकी जीवन, कैसे रहेगा आपका पर्सनल लाइफ, कैसे रहेगा आपका रिलेशनशिप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों जेमिनाइज आपके बारे में, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे रहने वाला है आपका साल 2024। ये पूरे साल की प्रेडिक्शन आपके बारे में, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आपके लव लाइफ के बारे में, आपके आने वाले साल के बारे में, कैसे आपको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, कैसे देखें कि कब कौन सा समय आपके लिए सही है, कैसे अपने पारिवारिक संबंधों को आप अच्छा बना सकते हैं, छोटे छोटे सरल से उपाय करके एक जनरल प्रेडिक्शन है सभी 12 राशियों के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों जेमिनाइज आपके बारे में। यहाँ पर हमें देखो मिथुन राशि वाले जातकों, आपका जो वर्ष है उसकी शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति जो है एकादश भाव में आपके बैठे हैं। इसकी वजह से आपको अनेक प्रकार के जो है लाभ मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकती हूँ कि आप आने वाले साल में काफी मोटिवेटेड रहेंगे। साथ ही में अगर आपकी भाग्य कुंडली की बात करूँ तो यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर जो बैठे हैं वो बैठे हैं शनि महाराज, जो कि है न्याय के देवता, देते हैं आपको जीवन में न्याय। यदि आपके कर्म अच्छे हों, कर्म भाव अच्छा हो, तो आपको शनिदेव बहुत सारी धन धान्य सौभाग्य के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी देते हैं, बहुत सारा नेम और फेम भी देते हैं, क्योंकि शनि महाराज का काम है यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। बात करूँ राहु और केतु की, पूरे वर्ष आपके दसम भाव में और चतुर्थी भाव में बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि राहु केतु, आप सभी जानते हैं कि राहु जो है हेड ऑफ ड्रैगन है, जो केतु है वो टेल ऑफ ड्रैगन है, और दोनों ही आपस में मैच नहीं करते, एक ग्लिच आपकी लाइफ में ज़रूर क्रिएट करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो। यहाँ पर अगर आपका राहु दसम भाव में बैठा हुआ है और साथ ही में चतुर्थी भाव में बैठा हुआ है केतु, पूरे साल आप मान के चलिए कि थोड़े से रिश्ते संबंध जो है आपके माता पिता के साथ आपके ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि जितना आप काम करें उतना रिजल्ट आपको उसका नहीं आए, तो आपको पूरे साल में बहुत सोच समझ कर अपने दिमाग को बहुत कैलकुलेटिव वे में यूज़ करके ही अपने पूरे साल को जो है निकालना है। हर चीज़ आपका सिस्टमैटिकली अगर आप करते हैं तो ना आपको कोई राहु परेशान कर सकता है, ना कोई केतु ग्रह आपको परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आए। यस जेमिनाई, यहाँ पर आपको बहुत संभल, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, और यहाँ पर बुध और शुक्र की अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत में ही आपके छठे भाग में होकर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपका खर्चा अधिक से अधिक जो है बढ़ सकता है। तो ये सारी एक डिटेल मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे रहेगा आपका लव रिलेशनशिप। ये डिस्क्रिप्शन थी आपके बारे में जेमिनाइज कि देखिए ये वाला ग्रह आपका यहाँ बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो हर एक भाव को रिप्रेजेंट करता है। कोई आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, कोई आपके धन कमाने को और धन कितना जुड़ेगा उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस कैसे देखी जाती हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों में कौन सा ग्रह है, आपके कुंडली के कौन से भाव यानी कि घर में बैठा हुआ है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और वहाँ पर हर एक ग्रह उसका मालिक होता है, ऐसे ही आपकी कुंडली को जो है देखा जाता है। और यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट जो है मिथुन राशि वाले जातकों, शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में होंगे, साथ ही में अनेक प्रकार की सफलताएँ आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं, और शनि महाराज आपके भाग्य यानी कि नाइन्थ हाउस के लॉर्डों के नाइन्थ हाउस में बैठे होंगे, जो आपको धन धान्य सौभाग्य और धन की वर्षा भी दे सकते हैं यदि आप अच्छे कर्म करते हैं और मेहनत करते हैं। बात करूँ आपके लव लाइफ के बारे में जेमिनाइज, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ कहती है इस वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे, रिलेशनशिप की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ ही में देव ग्रह जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि आपके पंचक भाव में होने के कारण आपका प्रेम जो है मजबूत बनेगा। प्रेम आपके बच्चों से, प्रेम आपके लाइफ पार्टनर से, प्रेम आपका लोगों के प्रति, और आप काफ़ी इमोशनल और स्टेबल भी फील करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग अपने रिलेशनशिप को लेकर आएगी कि आप ज़्यादा जिम्मेदार मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगस्त और सितंबर की यदि हम आपकी बात करें लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में, तो आपके संबंध यहाँ पर मुझे काफ़ी अनुकूल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके राहु केतु भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। आपको बहुत इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साल की शुरुआत में आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव माइंडसेट करके चलें, हर चीज़ को ध्यान से करें, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, अपने रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा अपने दिल में इमोशंस लेकर आएं। प्रैक्टिकल कम और इमोशनल ज़्यादा बनेंगे तो ये साल आपका आसानी से कट जाएगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ आपकी
मैरिड लाइफ के बारे में और करियर के बारे में। तो यहाँ पर आपका करियर कहता है कि मिथुन राशि वाले जातकों को करियर के बारे में देखा जाए तो इस साल का जो एक बिगिनिंग होगी आपके लिए वो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, कुछ ट्राई कर रहे थे, तो वो अब हो जाएगा। आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्टकट ना ढूंढें, ये आपके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। शॉर्टकट लेने से आपको परेशानी हो सकती है, किसी बात को सोचे कि मैं शॉर्टकट लेके काम कर लूँ, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हार्मफुल ज़रूर आपके लिए रहेगा। जॉब में सफलता मिलेगी, मार्च और अप्रैल के एंड तक ही आपको जॉब के प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मई के महीने के बाद आपकी नौकरी एक दूसरे राज्य में, यानी कि आपकी एक चेंज इन जॉब मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में फैमिली रिलेशन की अगर बात करूँ तो चतुर्थी भाव में बैठा है केतु और दशम भाव में बैठा है राहु, जिसके कारण मैंने फिर से कहा कि पारिवारिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। उसको बहुत ही सोच समझ के चलें, बहुत ही समझदारी से अपने पारिवारिक जीवन का डिसीजन लें। अपनी वाइफ से पूछे बिना, अपने पार्टनर से पूछे बिना कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में ना लें, हो सकता है कि बाद में वो आपके लिए हानिकारक साबित हो। बात करते हैं आपकी घर की समस्याओं के बारे में। तो धन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। जी हाँ, आपको इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है। लड़ाई झगड़ों से बचें, दूसरों के साथ में किसी प्रकार की आर्गुमेंट से अपने आप को दूर रखें। अप्रैल से अगर अगस्त की बात करूँ तो उसके बीच में आपकी स्थिति अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा मंगल जो है आपके गोचर में आ रहा है दशम भाव में, तो मंगल कार्य आपके घर में होते नज़र आ रहे हैं। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने की कोशिश करें। और एक उपाय, सबसे खास उपाय आपको क्या करना है, राहु केतु मंगल शनि को शांत करना चाहते हैं। अगर ये क्रूर ग्रह हैं आपकी कुंडली में, आपको कुछ नहीं करना है। हर सोमवार को शिव जी को जल से अभिषेक करें और काले तिल चढ़ाएं राहु केतु को शांत करने के लिए। कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के बाद अब राहु की एक मंत्र की माला का जाप जरूर करें। 108 की माला का जाप करने से आपका राहु शांत होता है। शिव जी के पूजा पाठ करने से उनकी प्रतिष्ठा करने से आपके सारे ग्रह जो है नवग्रह वो शांत होते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को अपनी प्रेडिक्शंस पसंद आई हो। यदि आपको पसंद आती है, हमारे चैनल को भी फॉलो करें, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें और साथ ही में हमें भूले ना कॉन्टैक्ट करना। नीचे गए हुए नंबर पर हमें जरूर कॉल करें अपनी डिटेल में मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके जन्म के टाइम के हिसाब से ही होती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन आप सभी के लिए। जय मां काली।